मित्रों, आज मैं भाषा के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। यहाँ पर भाषा हम लोग सब जानते हैं कि बिल्कुल आवश्यक तत्व है, बिल्कुल आवश्यक तत्व है, क्योंकि भाषा से ही हम एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित करते हैं, भाषा से ही हम किसी चीज़ का वर्णन करते हैं, भाषा से ही हम किसी को अपने घर का रास्ता बताते हैं, भाषा से ही हम अपने स्कूल में, कॉलेज में, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में अपनी ज़रूरतें बताते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये करना है। दुकानों पर हम खरीदारी करते हैं, दुकानदार भाषा का उपयोग करता है, हम भाषा का उपयोग करते हैं, तभी खरीदारी हो सकती है। भाषा हम लोग सब जानते हैं, चीज़ों का वर्णन करने के लिए, अपने मन की बात बताने के लिए, दूसरे के मन की बात समझने के लिए हमें भाषा की ज़रूरत होती है। और हर कोई बहुत स्वाभाविक रूप से एक भाषा तो सीखता ही सीखता है, जिसको कहते हैं उसकी मातृभाषा। वो भाषा हिंदी हो, वो भाषा तेलुगु हो, वो भाषा पंजाबी हो, वो भाषा बंगला हो, जो भी भाषा हो, एक भाषा तो हर किसी को अपने परिवार से सीखने को मिल जाती है। जन्म के साथ ही भाषा सीखने का सिलसिला शुरू हो जाता है, और जब तक शब्द बोलने की क्षमता आती है तब तक बहुत सारे शब्दों के अर्थ पता हो जाते हैं, और उसी के आधार पर संवाद स्थापित होने लगते हैं। अगर हम संसार में होने वाली घटनाओं को देखें, उनका वर्णन करना चाहें, भाई कैसे दिन रात कैसे होते हैं, क्या होता है, तो धरती घूमती है, एक भाषा हुई धरती घूमती है। मौसम कैसे बदलते हैं, धरती सूरज के चारों बगल बड़े से सर्कल के अंदर चक्कर लगाती है, एक भाषा है। इसको आप हिंदी में कह लो, इसको आप अंग्रेजी में कह लो, इसको आप छत्तीसगढ़ी में कह लो, इसको आप हरियाणवी में कह लो, लेकिन भाषा है। लेकिन उसके आगे अगर बढ़ना है, ये धरती सूरज के चारों बगल वृत्त में चक्कर क्यों लगाती है, तो हमारा जो शब्दकोश है, हमारी जो वोकैबुलरी है अपनी भाषा की, मातृभाषा की, या अन्य भाषाएं अगर हमने सीख रखी हैं उनकी, वो कम पड़ जाती है। वो फोर्स लगाती है, सन जो है, सूरज जो है, वो धरती को अपनी ओर खींचता है। ये सब हम कहते हैं, अपनी भाषा में कहते हैं, लेकिन फिर बड़े सवाल उठते हैं कि धरती सूरज को के चारों बगल घूमती है क्योंकि सूरज उस पर बल लगाता है, लेकिन जब हमारा सेब पेड़ से टूटता है, धरती उस पर बल लगाती है, वो तो धरती के चारों बगल चक्कर नहीं लगाता, वो तो गिर पड़ता है। धरती खींचे सेब को तो सेब गिर पड़ता है, सूरज खींचे धरती को तो धरती नहीं गिर पड़ती है, ये कैसे हो गया? इसका उत्तर अगर पूछ लीजिए, किसी ने पूछ लिया, इसका उत्तर अगर किसी ने पूछ लिया तो क्या करेंगे, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर हम कहते हैं नहीं 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 ठहरो ठहरो ठहरो, तो फिर हम चित्र बनाते हैं, हम एक चित्र बनाते हैं, कहते देखो ये सूरज है और ये धरती अगर घूम रही है, यहाँ पे धरती है और ये सूरज इधर की तरफ उसके ऊपर बल लगा रहा है, और धरती की जो ये है गति है वो इस दिशा के अंदर में, ये स्पर्श रेखा की ओर है। अब देखिए कि नए नए शब्द आने शुरू हो गए, स्पर्श रेखा, वृत्त, दिशा, कोण, समकोण, कई सारी चीजें आनी शुरू हो गई हैं, और सबके बाद फिर और भी कुछ है। इसके कारण से इधर वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है इस बल के कारण से, और ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी का एक वेक्टर सम होता है, और इसलिए ऐसे से ऐसे घूम जाती है और ऐसे घूमते घूमते चली जाती है। ये बहुत अलग भाषा हो गई, ये बहुत अलग भाषा हो गई। वेक्टर का एडिशन, समानांतर चतुर्भुज नियम, ये बहुत अलग भाषा हो गई। लेकिन अगर हमें ये वाला काम करना है तो ये वाली भाषा सीखनी पड़ेगी, और उसको हम कहते हैं गणित की भाषा, उसको हम कहते हैं गणित की भाषा। अपने संसार में होने वाली चीजों के को अगर हमें समझना है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, क्या नियम है, किसके आधार पर हो रही है, तो हमें अपनी भाषा के अलावा ये गणित की भाषा की भी आवश्यकता है। कपड़े सूखते हैं,
बहुत सीधी सी बात है, कपड़े हम धो करके टांग देते हैं धूप के अंदर में, और घंटे दो घंटे के अंदर में कहाँ जाता है पानी और क्यों जाता है पानी। थोड़ी दूर तक तो हमारी भाषा साथ देती है, हम कहते हैं पानी जो है वो वाष्प बन जाता है, हवा में मिल जाता है, हमारे कपड़े से निकल जाता है, बाहर चला जाता है, ये सब हम अपनी भाषा में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन इसके आगे बढ़े वो क्यों निकलता है भाई, वो वाष्प क्यों बनता है भाई, वो और घंटे भर क्यों लगता है उसको, वो अगर प्रश्न समझना है तो फिर आप कहेंगे नहीं 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 ठहरो 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 बताते, फिर आपको देखो ऐसा है कि उसमें बहुत सारे वो अणु होते हैं पानी के, जो आपने कपड़ा सुखाया है उसके अंदर जो पानी है उसमें बहुत सारे अणु हैं, वो चलते फिरते रहते हैं, यहाँ तक भी आपकी भाषा आपका साथ दे रही है। लेकिन इसके बाद आप बताएंगे कि उनकी जो वेलोसिटीज है, स्पीड है उनकी, वो एक ही स्पीड पर नहीं सब चलते रहते हैं, वो अलग अलग स्पीड पर चलते रहते हैं, किसी स्पीड पर ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसी स्पीड पर कम मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब ये क्या हो गया, ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक लाइन खींच दी, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये क्या हो गया, ये इधर क्या है, इधर संख्या है, इधर क्या है, इधर स्पीड है। अब ये भाषा हमारी क्लिष्ट होती जा रही है, हमारी भाषा जो है उसमें बहुत नई नई चीजें आती चली जा रही है, गणित की भाषा बन रही है, ग्राफ है, होने को तो ये एक लाइन है, होने को तो ये एक रेखा है, वक्र रेखा है, लेकिन ये केवल वक्र रेखा नहीं है, ये पानी के अणुओं की जो स्पीड है, चाल है, उसका पूरा बंटवारा यहां पर है कि कितने अणु किस स्पीड से है, कितने अणु किस स्पीड से है, कितने अणु किस स्पीड से है, और इस तरीके से उसको व्यक्त करना है। और ये जो तरीका है ये अपने आप में हमारे गणित की भाषा बन रही है। फिर हम कहते हैं कि ये वाले जो अणु है जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, यही अणु इतनी स्पीड होने के कारण से कपड़े को छोड़ करके बाहर निकलते हैं। फिर क्या होते, फिर हवा जो है उसके अणु फिर इन पानी के अणुओं के साथ टक्कर करते हैं, वो टक्कर की भाषा फिर अलग होती है, वो जब टक्कर करते हैं तो हवा की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा की भाषा शुरू होती है, और वो उसके साथ में संवेग संरक्षण होता है, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है और फलाना होता है करके फिर इनकी स्पीड बढ़ती है, और ये तो खाली हो गई थी जगह वो फिर भर जाती है, और फिर ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और फिर ये वाले जो है वो बाहर निकल जाते हैं, ऐसा करके धीरे 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 करके बाहर निकलते 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 हमारे कपड़े सूख जाते। अब जो हमने अगर गणित की भाषा नहीं सीखी हुई है तो ये इस तरीके का डिस्क्रिप्शन, इस तरीके का डिस्क्रिप्शन ये हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए गणित की भाषा सीखना ये हमारे लिए बड़ी आवश्यकता है, ये हमारे लिए बड़ी आवश्यकता है। तो कोई भी भाषा जब हम सीखते हैं तो पहले छोटे छोटे शब्द सीखते हैं, पहले छोटे छोटे वाक्य सीखते हैं, बिना बिना मात्रा वाले, हिंदी अगर आप सीख रहे हैं तो पहले हम जब लिखना पढ़ना सीखते हैं तो बिना मात्रा वाले वाक्य बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, नट खट मत बन अब घर चल, ऐसे छोटे तीन शब्दों के, दो शब्दों के, चार शब्दों के छोटे छोटे वाक्य बनाते हैं, बिना मात्रा के बनाते हैं, फिर उसमें मात्राएं आने शुरू हो जाती हैं, फिर मेरे वाक्य लंबे होने शुरू हो जाते हैं, फिर उसमें संयुक्ताक्षर आने शुरू हो जाते हैं, वगैरह वगैरह, धीरे 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 करके उस पूरी भाषा को हम सीखने की कोशिश करते हैं, और जितना हम सीख पाते हैं उतना अच्छा हम वर्णन करते हैं और उतनी चीजों का हम वर्णन कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनका हम वर्णन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसके लिए जो शब्द चाहिए, उसके लिए जो रचना चाहिए वो हमने नहीं सीख करके रखी हुई है। ऐसे ही गणित के साथ भी है, गणित में भी हमें पहले छोटे छोटे वाक्य बनाने पड़ेंगे, छोटी छोटी बातें सीखनी पड़ेंगी, छोटी छोटी बातें सीखनी पड़ेंगी, जोड़ है, घटाव है, गुणा है, ये छोटी छोटी बातें, लघुतम है, एलसीएम है, एचसीएफ है, ये छोटी छोटी बातें हमें सीखनी पड़ती हैं। फिर जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है हमारी भाषा में हम और भी जोड़ते जाते हैं,
और भी चीज़ें जोड़ते जाते हैं, फिर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर हम इंटग्रेशन करते हैं, फिर हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं, फिर हम मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर हम डिटरमिनेंट्स बनाते हैं, हम डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाते हैं, हम सरफेस इंटीग्रल्स करते हैं, हम वॉल्यूम इंटीग्रेशंस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी बढ़ती 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 चली जाती हैं। तो धीरे धीरे करके अपने बिल्कुल छोटे से शुरू करके, जोड़ घटाव से शुरू करके, और फिर बहुत दूर तक जाना। मैं आइंस्टीन ने जब पूरे अपने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत बनाए तो उसके लिए जो गणित का जो जिस प्रकार के शब्द, जिस प्रकार की रचना उसके लिए आवश्यक है, वो काफ़ी ऊपर है। वो मुझे भी नहीं आती, वहाँ तक की भाषा मैंने भी नहीं सीख करके रखी हुई है। तो हम लोग अपने स्तर के ऊपर गणित की भाषा को सीखने का पूरा प्रयास करें, उसमें बहुत आनंद भी आए। कोई भी आप किसी भी भाषा के बारे में देखिए, अगर आपकी भाषा की पकड़ मजबूत है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप बहुत प्यारी प्यारी कविताएं लिख सकते हैं, या प्यारी प्यारी कविताएं लिखी हुई हैं तो उनका आनंद उठा सकते हैं। लेकिन अपनी भाषा अगर उतनी मजबूत पकड़ नहीं है तो हम उस आनंद से वंचित रह जाते हैं। तो इस प्रकार से गणित को बहुत आनंद पूर्वक लेते हुए और हम उस भाषा को सीखने का प्रयास करें, और जितना सीख पाए उतना हमें और आनंद मिलेगा और हमें अच्छा लगेगा। और ये भाषा सिर्फ यहीं पर काम आएगी, इसी तरह के प्रश्नों में काम आएगी, ऐसा है। एक बार ये गणित की भाषा हमारी बन गई है तो जाने और क्या 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 आनंद हुआ हमें ले सकती है। तो इस पूरी भूमिका के साथ हम गणित को लें, ऐसा अपना काम है।